के घर के बाहर ये जश्न की तस्वीरें नजर आ रही हैं और देखिए किस तरह से अब जो राजनीतिक गलियारे के लोग हैं वो भी बधाइयां दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का कॉल नीरज के पिता के पास आया। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़ चुके हैं, नीरज के घर के पास ही मौजूद हैं। भास्कर, किस तरह का माहौल, किस तरह का जश्न नीरज के गाँव में, नीरज के घर में नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए शाम से ही यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे यहाँ पे और वो इंतजार कर रहे थे कि एक बार मेडल कंफर्म हो जाए, उसके बाद यहाँ पे जश्न मनेगा। आतिशबाजी लगातार हो रही है पिछले कुछ वक्त से यहाँ पे, और जो लोग हैं उनको मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लड्डू खिलाया जा रहा है, परिवार वाले जो हैं उनको बधाइयों का तांता है लगा हुआ, लगातार लोग बधाई देने के लिए फोन कर रहे हैं फैमिली वालों को, और जो आसपास के लोग थे वो सब इस खुशी के मौके में शरीक होने के लिए अभी यहाँ पे शामिल है। लोग पहले से उम्मीद करके बैठे हुए थे कि नीरज एक बार फिर से गोल्ड जीतेगा, गोल्ड नहीं लेकिन सिल्वर फिर भी नीरज के खाते में आया है और ये भी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और इसी को सेलिब्रेट करते हैं। लगातार दो बार से ओलंपिक में मेडल जीतना ये बड़ी उपलब्धि नीरज के साथ नीरज को मिली है और इसकी उम्मीद सबको, न सिर्फ परिवार लेकिन पूरे देश को थी कि ऐसी उपलब्धि नीरज हासिल कर सकता है और इसीलिए तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी, मिठाइयां पहले से ही लाके रख दी गई थी और वो इंतजार किया जा रहा था कि एक बार जैसे ही फाइनल टैली हो जाए। हमारे साथ नीरज के चाचा हैं। सर ये बताएं कि इतनी बड़ी खुशी का मौका है, आप लोग शाम से तैयारी करके बैठे थे? बहुत खुशी का मौका है, परमात्मा ऐसा मौका हमारे देश को हर बार देता रहे। क्या लग रहा है कि थोड़े से चूक गए इस बार गोल्ड मेडल से नीरज? उसका जो थ्रो की थी उसने पहली थ्रो, उसका वो पहली थ्रो में उसका फॉल हो गया था, रिदम बिगड़ गया था, तो उसके बाद दर्शन नदीम ने अपनी बहुत बेस्ट थ्रो दी है, तो उसके बाद उसकी जो एक ही थ्रो लगी है उसकी वैलिडिटी, बाकी पांच फॉल गई हैं। कहीं न कहीं दिमाग में प्रेशर भी होता है अच्छी थ्रो लगने के बाद, और उसके जो रिदम था जो उसका, मैं कहूंगा उसका आज सबसे अच्छा दिन नहीं था, थोड़ा कम अच्छा दिन था, तो इसलिए सिल्वर मेडल आया। लेकिन लगातार दो ओलंपिक में मेडल जीतना ये भी बड़ी बात है, एक बार गोल्ड एक बार सिल्वर, बहुत ही गौरव का पल है ये, बहुत ही मैं बोलता हूँ देश के लिए कि बहुत ही अच्छा हुआ, बैक टू बैक दो ओलंपिक के मेडल आए हैं, गोल्ड आया है सिल्वर आया है, ये एक बहुत इस तरह से तैयारी है नीरज की स्वागत की जब नीरज वापस आए। अभी परिवार बैठ के प्लान करेगा एक दो दिन के अंदर ही भाई इसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो देखिए लगातार जो फैमिली है उनसे लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं। सब ये जानते हैं कि नीरज किसके कैपेबल हैं और उसी हिसाब से तैयारी थी, नीरज को मेडल मिलने जा रहा है इसमें किसी को कोई शक नहीं था और यहाँ पे भी उसी हिसाब की तैयारी थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक यहाँ पे आतिशबाजी हुई है, पहले से ही बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा के रखे हुए थे, जो आसपास के गांव के लोग थे वो तक सेलिब्रेट करने के लिए थे यहाँ पे और सिर्फ इंतजार किया जा रहा था कि नीरज किस मेडल के साथ वो यहाँ पे आएगा, ये एक बार कंफर्म हो जाए उसके बाद सेलिब्रेशन होगा। और इस बार सिल्वर मेडल के साथ नीरज आ रहा है, उतनी ही खुशी है। लगातार दो ओलंपिक में मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं और देश के लिए इस ओलंपिक में सबसे बड़ी उपलब्धि अभी भी नीरज चोपड़ा ने ही दिलाई है। बिल्कुल, सबसे बड़ी उपलब्धि नीरज चोपड़ा ने ही दिलाई है। नीरज के घर के बाहर जश्न का माहौल है और पूरे देश में ऐसी ही आतिशबाजियां नजर आ रही हैं। बने रहिएगा भास्कर। समीप राजगुरु स्पोर्ट्स एडिटर हमारे सीधा पेरिस ओलंपिक से जुड़ चुके हैं। समीप, गोल्ड ना सही लेकिन भारत की झोली में पहला सिल्वर पेरिस 2024 ओलंपिक आ चुका है और नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन था, लेकिन नदीम अशरफ, पाकिस्तान और इंडिया नंबर एक और नंबर दो, तो साउथ एशिया का तो पूरा दबदबा यहाँ पर देखा और मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस वक्त मैं लाइव आऊँ और यहाँ का माहौल मैं दिखाऊँ, लेकिन फिलहाल मैं नीरज चोपड़ा से मिलने का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि वो मिक्स जोन जो होते हैं जहाँ पे खिलाड़ी और पत्रकारों की मुलाकात होती है वहाँ पर किसी भी पल वो आने वाले हैं, तो मैं उनका मिलने का फिलहाल इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन लाजवाब प्रदर्शन नीरज का भी, सीजन बेस्ट मारा, इंजरी के दर्द है कि पता नहीं पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, पेरिस का डायमंड लीग था, बड़ा टूर्नामेंट था एथलेटिक्स का, वो उन्होंने ओलंपिक से पहले जाने दिया, छोड़ दिया, उसके बाद डाउट्स थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, चाहे क्वालिफाइंग की बात करें 89.34 और 89.45 और एकदम कंसिस्टेंट पूरे सीजन इस तरीके से रहना लाजवाब, क्या एथलीट है ये बंदा और किस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। नदीम अशरफ अगर आप देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रो किया है उन्होंने आज, अगर वो थ्रोज उनके नहीं आते तो एक थ्रो करीब करीब 92 मीटर है और दूसरा 93 मीटर 92.97
और मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से इन्होंने नीरज को हराया। अगर आप देखो नीरज ने पूरे जितने भी जैवलिन थ्रोअर्स थे उनमें वो सिल्वर मेडल लिया है और इस प्रदर्शन से उनको गोल्ड मिल सकता था, लेकिन नदीम अशरफ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें सिल्वर से संतुष्टि करनी पड़ी है। लेकिन सबसे कंसिस्टेंट जैवलिन थ्रोअर इस वक्त दुनिया में अगर कोई है, चैंपियन थ्रोअर अगर कोई है, वो तो नीरज चोपड़ा है। सिल्वर जरूर है, सिल्वर जरूर दिख रहा है, लेकिन क्या लाजवाब यहाँ पर प्रदर्शन नीरज चोपड़ा का। और नीरज चोपड़ा के पिता भी ये कह रहे थे कि उनकी इंजरी शायद अभी पूरी तरह से नीरज उभरे नहीं थे और वो कहीं ना कहीं वो जो इंजर्ड हुए थे वो चीज हावी भी उनके ऊपर हो रही थी, जिसके चलते वो फाउल भी हुए। अपना वो बेस्ट जितना देना चाह रहे थे शायद उतना, हालांकि वो सिल्वर मेडल लेके आए लेकिन शायद वो गोल्ड भी जीत सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एकदम 100% ठीक कह रहे हो आप। छह में से पांच थ्रोज जो थे उनकी अगर आप देखो तो उन्होंने फाउल खुद किया, क्योंकि उन थ्रोज में डिस्टेंस वो अचीव नहीं कर पाए, तो इसके बाद वो खुद ही फाउल कर देते हैं, एक पाँव आगे रख देते हैं जहां पर जो लाइन होती है जिसको क्रॉस नहीं करना है उसको आगे कर देते हैं तो रेड फ्लैग हो जाता है। तो जिस तरीके से इन्होंने थ्रो किया है पूरी फिटनेस नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ी उनको डिस्कम्फर्ट दी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 90 मीटर मतलब 89.45 थ्रो करना नीरज चोपड़ा कमाल के उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन एक बात यह कि थोड़े से किस्मत भी साथ रही, अगर एक थ्रो अगर वो नहीं जाता तो आज वो मेडल्स रेस से भी बाहर हो सकते थे। ये भी एक वो पहलू है इस पूरे परफॉर्मेंस में, लाजवाब है, कंसिस्टेंट है, हमेशा से 88 से 90 के बीच कर रहे हैं, लेकिन 90 मीटर का मैजिक मार्क आज तक नीरज चोपड़ा ने क्रॉस नहीं किया है। बस यही एक जो सवाल था ना कि अगर दो तीन जो जूलियन वेबर थे, वाल्डेज थे, नदीम अशरफ थे, ये तीनों के तीनों जो है 90 एंडरसन पीटर्स, ये चारों के चारों जो है 90 मीटर प्लस वाले जैवलिन थ्रोअर हैं, और अगर उनमें से दो तीन भी 90 मीटर अगर लगा देते तो आज नीरज चोपड़ा मेडल्स के रेस से बाहर हो सकते थे। नदीम अशरफ ने लगाया लेकिन बाकियों ने 89 के आसपास भी नहीं आए, तो ऐसे में नीरज चोपड़ा का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनको वर्ल्ड चैंपियन बना रहा है, उनको ओलंपिक मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, लेकिन 90 मीटर मार्क अगर वो क्रॉस कर लेते तो नदीम अशरफ आज वो ताबड़तोड़ जो है वो कंपटीशन दे सकते थे। लेकिन नदीम अशरफ ने अपने पहली थ्रो में कहीं ना कहीं वो गोल्ड पर जो है ना पूरा कब्जा कर लिया था प्रिया, और उसके बाद कोई चांस नहीं था कि उनके आसपास हो जाते, क्योंकि उन्होंने अपने प्रैक्टिस में भी अगर आप बात करोगे ना कि नीरज चोपड़ा ने प्रैक्टिस में भी ये डिस्टेंस उन्होंने नहीं थ्रो किया है। उनका बेस्ट भी जो है अगर बात करते हैं कि कभी कभी प्रैक्टिस में 91 क्रॉस कर जाते हैं, 91 टच कर जाते हैं कभी कभी, तो वो बेसिकली जो उनका पूरा का पूरा बेस्ट रहता है वो 88 से 90 के बीच रहता है, तो इसलिए गोल्ड उनके हाथ से निकल चुका था। जैसे नदीम अशरफ ने 92.97 का थ्रो किया, इसके बाद ये मालूम था कि नीरज जो है प्रैक्टिस में भी ये थ्रो अचीव नहीं कर रहे, ये डिस्टेंस अचीव नहीं कर रहे, तो वो गोल्ड उनके हाथ से निकल चुका था। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि पूरी फिटनेस ना होते हुए भी सारे पूरे फील्ड को उन्होंने मात दिए और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें एक सिल्वर मेडल लेना पड़ा, वरना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस और सारे के सारे वेबर हो, जूलियन वेबर हो, वाल्डेज हो, याकूब वाल्डेज हो, एंडरसन पीटर हो, सबको मात देती है यहाँ पर, कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर। और कुछ ही देर में मैं आपके साथ लाइव भी जोड़ूंगा, एक बार जरा नीरज चोपड़ा से मुलाकात हो जाए, थोड़ी देर में मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, क्योंकि किसी भी वक्त आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल समीप, प्लीज टेक योर टाइम, हम एक बार फिर से उनके घर के बाहर जश्न की तस्वीरें दिखा देते हैं, किस तरह से जश्न इस वक्त नीरज के गांव में, नीरज के घर में है। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा लगातार हमें वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। भास्कर, एक बार फिर से अगर जो उनके घर के आसपास के लोग हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सुना देते हैं नीरज के दादाजी इस खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं देखो, वो तो उसकी जो खेलता है उसकी प्रैक्टिस के ऊपर है, तो उसका ध्यान सिर्फ खेल के ऊपर है, बाकी दूसरे कामों में या किसी में उसको ध्यान नहीं बटाता, वो खेलों में ध्यान रखता है। नीरज के ऊपर दबाव भी दिखा, अच्छा नदीम ने जब ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, एक नया रिकॉर्ड बनाया जैवलिन थ्रो में, नहीं ऐसे नहीं दबाव नहीं मानता, ऐसे तो अरशद नसीब भी पहले वो फाउल हो गया, तो ये तो खेल में चलता ही रहता है, फाउल भी होते हैं, आगे पीछे भी होते हैं, चलता रहता है।